साथी रे साथी रे, मर के भी तुझको चाहेगा दिल। हाँ आई नो। अरिजीत ने अच्छा गाया, सोनू ने अच्छा गाया, श्रेया ने एकदम अच्छा गाया, तो मैं बर्बादी क्यों कर रहा हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो इससे पहले वीडियो शुरू करें, दो लाइनें अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम ये वीडियो कैसी जाएगी। मतलब घटिया जाएगी वो तो मुझे मालूम है, बट मेरी रिव्यू से कितने लोग सहमत होंगे कितने नहीं होंगे वो मेरे को देखना है, क्योंकि ये मैंने सोची भी ना है। ठीक है, तो इरशाद दीजिएगा कमेंट में। अर्ज किया है कि कागज पे लिखी गजल बकरी चबा गई, कागज पे लिखी गजल बकरी चबा गई, जंगल में हुए चर्चे बकरी शेर को खा गई। वाह वाह, अरे सही बोल रहा हूँ। सिंगम मत देखो भाई, मत देखो, देखने लायक तो भूल भुलैया भी नहीं है, बट उससे तो बेटर है हवा में गाड़ी उड़ते हुए देखने से अच्छा कौवे मरते हुए देखो। देखो बात तो सही है। और जितनी भी मैंने लोगों की बातें सुनी ना, सब पता नहीं क्या उम्मीद लेके बैठे थे, तू भूल भुलैया 3 देखने जा रहा है, अनीस बाजपेयी डायरेक्टर है, कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार बनने वाला है, तुझे क्या लगा था इंटरस्टेलर देखने जा रहा तू, भूल भुलैया 3 है ना वो, पता नहीं क्या उम्मीद लगी गई तो भाई, अरे 3-2 देखने जा रहे हैं बट भूल भुलैया में घुस गए। अबे मूवी में अच्छी चीज है उसकी स्टोरी लाइन, मेरे को स्टोरी लाइन एक्चुअली बहुत सही लगी, मूवी बस खींची बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा खींचे थे इन लोगों ने फिल्म को। मूवी का जो क्लाइमेक्स है सीन तो है ही है, बट जो स्टोरी एंड है जो कंक्लूड किया जा रहा है, भाई मैं कंफ्यूज था कि एंडिंग रखेंगे तो रखेंगे क्या, जबकि मैं बेस्ट स्टोरी टेलर मानता हूँ अपने आप को। भाई कहानी इतनी तगड़ी घुमाई है, बस खींच बहुत ज्यादा दी है। तो भूल भुलैया सीरीज में मेरा कुछ चीजें हैं सिंगम की तरह जिनसे मुझे दिक्कत हो गई है। पहला है तृप्ति दिमरी। तृप्ति दिमरी क्यों है, क्यों है फिल्म में? अरे कार्तिक आर्यन का लव इंटरेस्ट, अरे भाभी नंबर 2 क्यों है फिल्म में, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, मुझे एक आदमी आंसर दो। इतनी टैलेंटेड बंदी हो, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है वो, उसको तुम लेके आए भाभी नंबर 2 के नाम पे, जबकि अगर तुम उसको हटा भी दोगे ना मूवी से कोई मतलब नहीं है, फिल्म को कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर तृप्ति दिमरी हटती, 2 या 3 गाने हट जाते भाई, लेंथ छोटी हो जाती मूवी की, लेंथ छोटी हो जाती। नहीं हमें ग्लैमर चाहिए, अरे माधुरी दीक्षित को देख के मैं ग्लैमर ले लेता, मैं तो विद्या बालन को देख के भी ले लेता, जज मत करो मुझे क्योंकि मैं इससे भी गिरा हुआ हूँ, मैं तो ऑल द बेस्ट की मैरी देख के भी ग्लैमर ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच प्रेम। फिर दूसरा जो तुमने बहुत गंदा किया है वो है माधुरी दीक्षित के साथ ACB राठौर, अरे विक्रम राठौर ले आओ तुम, साला कैमियो में अक्षय कुमार अच्छी फिल्में दे रहा है, उसने भी मना कर दी होगी। माधुरी दीक्षित के साथ नाइंसाफी इसलिए नहीं हुई कि माधुरी दीक्षित को ऐसे मतलब आई ग्रैबर लेके आए, वो स्टोरी जिसने लिखी है ना और जो डायरेक्टर है उसने माँ बहने करी है। अंजौलिका मंजौलिका भूल भुलैया 2 का कॉन्सेप्ट था, इन्हें वापस लाना था 3 में नॉस्टैल्जिया फील कराने के लिए, इस चक्कर में अंजौलिका मंजौलिका रखा, वरना विद्या बालन अकेले भी रखते तो भी कहानी का सेम इम्पैक्ट आता कि एक ही बहन होती है, एक ही ने हरामखोर अपन किया होता है, और एंड रिजल्ट फिर भी तुम्हें वही मिलता। तुम माधुरी दीक्षित के साथ नाइंसाफी करके बताओ। तीसरा जो मुझे तीसरा मेरा एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है मेरा, जो मेरा लेंथ पे भी है, एडिटिंग पे भी है, और फोर्स ह्यूमर और नॉस्टैल्जिया फील कराने के चक्कर में जो है, जिसके चक्कर में तुम कार्तिक आर्यन को गाली खिलवा रहे हो, लोग कह रहे अरे कार्तिक आर्यन अभी भी अक्षय कुमार, अरे तू क्या करे बेचारा, वो डायरेक्टर का एक्टर है, जो बोलेगा वही तो करेंगे। तुम म्यूजिक ले लो, बैकग्राउंड म्यूजिक ले लो और सॉन्ग ले लो, आधे से ज्यादा चीजें तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील कराने के लिए, और कुछ भी नहीं। मंजौलिका इतना सैचुरेट कर दिया इन्होंने नॉस्टैल्जिया के चक्कर में कि अंजौलिका भी बदनाम हो रही है, बताओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बट वो जो एंड आया ना कि जिसमें ये स्पॉइलर भाई, कार्तिक आर्यन ही निकला असली मंजौलिका, क्यों? कार्तिक आर्यन नचनिया था। मैं कहा तुझे नचनिया बनना है, बन, मुझे क्यों नचा रहा है, मुझे क्यों? अरे बेसिकली कहानी है 200 साल पुराने टाइम में ये दोनों बहनें होती है, फिर राजा कहीं मुंह मार लेता है किसी के साथ, तो वहां से उसको लड़का हो जाता है, फिर लड़का बड़ा होता है तो राजा राजगद्दी बेटियां छोड़ के बेटों को दे देता है, बेटियां किलस जाती हैं कि ऐसे कैसे, और फिर इनको पता चलता है कि हमारा जो सौतेला भाई है ये तो नचनिया है, नचनिया, तो वो बाप के सामने एक्सपोज कर देती है, बाप बेटे को जिंदा जला देता है, बेटी को राज निकाला कर देता है, बस इतनी कहानी है। यहाँ पे मंजौलिका बन के आता है, बाप को मार देता है। मैं कहा बहने क्यों छोड़ रहा, बहने क्यों छोड़ रहा तू? मैं नहीं बताऊंगा। बहनों का पुनर्जन्म होता है, तू भी मजे ले रहा है, लोगों को शक करवाते हैं विद्या बालन मंजौलिका, माधुरी दीक्षित मंजौलिका, जबकि असली मंजौलिका कार्तिक आर्यन। हम दोनों में से मंजौलिका कौन है? और देखो 200 साल का गुस्सा है बंदे के पास कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम मेरी बहन बन के आए, तुमने मेरे रियल सेल्फ को सपोर्ट करने के चक्कर में मुझे धोखा दिया, मेरे साथ गलत हुआ, डन।
अब ये गलत है जो हुआ उसके साथ 200 साल पहले। 200 साल बाद बंदी ने कहा, अरे तू तो हमेशा अपने ही मुखौटों में था 200 साल। मैं कहा तू यादें ताजा कर रही है, मेरा दुख दर्द मैं यहीं पे मारूंगा तुम दोनों को। छोड़ दिया, माफ कर दिया। मैं कहा मार। बॉलीवुड बीइंग बॉलीवुड, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भूल भुलैया कोई बेटर फिल्म है या बेस्ट फिल्म है, नहीं। एज कम्पेयर टू सिंगम, अगेन मुझे ये फिल्म ज्यादा बेटर लगी है। अगेन सेम प्रॉब्लम है, जोक फोर्स किए गए हैं, लेंथ खींची गई है, गाने अननेसेसरी डाले गए हैं। तुम गाने हटा सकते थे, कुछ कैरेक्टर्स तुम हटा ही देते फिल्म से ना, तो भी मूवी शॉर्ट हो जाती। आमे महाराज, ए हमार अंगरक्ष। ये पहले बंगाली महल देखी है जहाँ पे सबकी बंगाली बेसिक बंगाली है। आमी तुम्हारे भालोवासी, खाना खोबे, बस अरे खेला हो गए। एक और जो रोल है जिसके लिए मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, हमारे चाणक्य जी, हमारे चाणक्य, अरे वो जो बाबा बने हैं गंजे गंजे, अरे गदर में जो विलन बना था, वो चाणक्य के टाइम से पसंद है मुझे। एनडी इमेजिन पे आता था एक शो उसका, तब से पसंद है। मनीष करके कुछ नाम है शायद उसका। इतना टैलेंटेड और इतना वर्सटाइल एक्टर है वो बंदा, उसको सही रोल ही नहीं दिया तुमने, बाबा बना दिया। अबे किसी को और बना देते। और बाबा भी ऐसा जिसको अपने पूर्वजों पे पूरा भरोसा है, बट पूर्वजों ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई कि महल का सच क्या है, और वो राजपुरोहित है। अबे काहे का राजपुरोहित है तू? हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अबे अगर तुम उन लोगों में से जो यहाँ पे टिक के सोते ना कि मेरे को क्या पसंद आ गया इस कॉमेडी में, सब तो क्रिंज था। अरे क्रिंज तुम्हारे लिए, मुझे क्रिंज जो की पसंद है। मुझे वो हमारा अंगरक्षक है जो व्हील चेयर पे, साला लास्ट में केमियो में जवान आता है, अंगरक्षक हवा में उड़ रहा होता है। मैं कहा बस मस्त, एक नंबर, मजा आ रहा है। अरे शुरुआत का बहुत मजा लगा, मिड में बहुत खींचा इन्होंने, बहुत ज्यादा। फिर शाही खाना, फिर कौए का रेफरेंस ले लिया नॉस्टैल्जिया के नाम पे, कौआ बिरयानी। और फिर शाही खाना में जो खींचने लगते हैं, साला अंगरक्षक और राजा दोनों चुरा रहे हैं कोलगेट का वो पेस्ट निकालने वाला, मेरे को बहुत सही लगा वो। बहुत मतलब फील गुड टाइप कॉमेडी है। और ये सब बोलने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर इन दोनों मूवी से मुझे चुनना पड़े थिएटर में जाके देखने के लिए, मैं एक भी मूवी चुनूंगा नहीं। मैं घर पे Amazon Prime मंथली बाय करके स्त्री 1 स्त्री 2 देख लूंगा। सच बोल रहा हूँ मैं, वो ज़्यादा बनी थी, बट थिएटर में जाके देखना इन दोनों मूवी में से कोई एक यही है तो फिर मैं भूल भुलैया 3 चुनूंगा भाई, सॉरी टू से। और ऐसा है ना, मैं पूरा माइंडसेट बना के बैठा था कि इस मूवी में खामी निकाल के टी शर्ट को झाड़ूंगा, क्योंकि वो कॉपीराइट वाला सीन था। बट मूवी मेरे को एक्चुअली पसंद आई है, मेरे को पसंद आई है। मतलब टाइम पास मूवी, वन टाइम वॉच तो है कि देख सकते हैं। बट इसमें कार्तिक अर्जुन को काफ़ी बैकलैश दे रही है कि अबे ये आउटसाइडर का कार्ड खेल। अबे भाई क्या आउटसाइडर, तुम्हें अगर टैलेंट देखना, उसकी एक्टिंग वर्सेटाइल देखनी है, तुम्हें चाहिए कि डिफरेंट टॉपिक पे करे, चंदू चैंपियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लो। उसके अलावा चले उसने सारे रोल रिस्की रोल करे हैं, धमाका में न्यूज एंकर का, फ्रेडी में डेंटिस्ट का, वो कर रहा है रोल। बट अगर उसकी बॉक्स ऑफिस में नंबर्स नहीं आएंगे, उसके पास बाकी फिल्मों के स्क्रिप्ट भी नहीं आएंगे, भाई सर्वाइव करना मुश्किल है। तो कार्तिक आर्यन का फॉल्ट नहीं है यहाँ पे कि वो मासा मसाला फिल्म देना चाह रहा है, मास मसाला जो भी होता है। तो मैं कार्तिक आर्यन को गलत नहीं बोलता इसमें, मेरे को लगता है कहानी ठीक थी, बस एडिटिंग और या डायरेक्शन दोनों में कहीं तो झोल हुआ है कि उन्होंने जबरदस्ती खींची है फिल्म को। 1 घंटा 45 मिनट या मैक्सिमम 2 घंटा, आधा घंटा बहुत ज्यादा खींचा, 2.5 घंटे की फिल्म है ये भी। मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। इसे देख के तुम खुश हो या ना हो, क्रिटिक्स खुश हो या ना हो, रोहित शेट्टी बड़ा खुश हुआ होगा। चलो एक लौता मैंने नहीं हगा दिवाली पे, ये भी है, बट तुमसे कम हगा है रोहित भैया, बहुत कम हगा उन्होंने। हाँ तो ये मेरा रिव्यू तो भूल भुलैया 3 का। तो अगर तुमने देख लिया तो बता देना, अगर तुमने नहीं देखा तो क्या मैंने तुम्हें स्पॉइल कर दिया, स्पॉइलर दे दिया, ये भी बता देना यार। बट जेन्युइन क्वेश्चन मेरा ये है कि तुम में से एक्चुअली किसी को जो पसंद भी आए हैं, क्योंकि मुझे तो आए हैं, मुझे आए हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें घटिया जोक देता हूँ, सुनो। तो एक बार एक लड़की है ना, अफ्रीकन उसका बॉयफ्रेंड होता है, उससे शादी करने के लिए पागल हो रही होती है। तो फिर रिश्तेदारों को पता चलता है, वो गुस्सा हो जाते हैं। तो एक बुढ़ऊ चाचा जाते हैं लड़की से, पूछते हैं, अरे बेटा ऐसा क्या हो गया, हमारे हिंदुस्तानी लड़कों में कमी क्या है जो तू इस अफ्रीकन के पीछे पागल हो रही है, इसके साथ शादी करना चाह रही है? अरे चाचा क्या बताऊं, जहां तक हिंदुस्तानी लड़कों का सामान जाता है ना, वहां तक तो ये काले जीप से ही पहुंच जाते। मैं शरीफ हूं। हाँ अभी तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मुझे क्यों जोक पसंद आई है, ट्रू स्टोरी लीव अ लाइक। और मैं मिलता हूं तुमसे कल, पीस आउट।